न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। रामपुर उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने आजम खान पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान का पूरा ध्यान केवल मुसलमानों को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने का था। आकाश सक्सेना ने कहा है कि आजम खान ने हमेशा खुद को दूसरा नवाब समझा। आज रामपुर में कारोबार ठप है, आजम के कारण ही मुस्लिम नौजवानों का भविष्य अधर में लटक रहा है। रामपुर की जनता हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से ऊपर उठकर विकास उज्जवल भविष्य को चुनेगी। उन्होंने दावा किया है कि इस बार वोटर्स ने इतिहास बदलने का मन बना लिया है। आकाश सक्सेना ने कहा कि रामपुर के मुसलमानों के प्यार को आजम खान ने गुलामी समझा। आजम ने मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर उनसे सब कुछ छीन लिया और ये उपचुनाव उस दास्ता को उतार फेंकने का सुनहरा मौका है। और पसमानदा मुसलमानों पर भाजपा के फोकस करने के सवाल पर सक्सेना ने कहा कि रामपुर में बहुत बड़ी आबादी पठान मुस्लिमों की है। पसमानदा वो वर्ग है जिसे कोई महत्व नहीं देता था। भाजपा सबका साथ सबका विकास के नारे को दोहराया और मुसलमानों का सम्मान भाजपा के शासन में ही महफूज है। बस ये रामपुर का जो नौजवान है वो मन बना चुका है नए रामपुर के निर्माण के लिए और नए रामपुर का निर्माण होने जा रहा है। हम शुरू से उद्योगों का मुद्दा लेके चले और यहाँ उद्योगों की ही बात करके चले हैं, तो सबसे पहला काम हमारा उद्योगों का ही रहेगा और यही हमारी प्राथमिकता है। उनके पास कोई और मुद्दे नहीं है, इसलिए कोई उन सब पे हमें ध्यान न देने का है और न देने की कोई ज़रूरत है। उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए ये सब बेकार की ही बातें हैं सर। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी लगातार बने हुए हैं। दानिश, आकाश सक्सेना ने बड़ा बयान दे दिया है। नहीं, आकाश सक्सेना ने जो बयान दिया है इस बयान के पीछे भी कोई सलाह है। देखिए, जब आकाश सक्सेना ने इस बात के बयान को दे दिया है तो मुझे लगता है इस बयान में काफी गहराई है और इस बयान में जो बात इन्होंने कही है, 70 साल कांग्रेस ने राज किया है ऐसा नहीं है, और उसके बाद भाजपा की बात की जाए चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए और भाजपा की, लेकिन जो इन्होंने बयान दिया है कि रामपुर में आजम खान नवाब हैं और नवाब अपने आप को समझते थे, अगर इनकी बात को सच माना जाए कि वो नवाब हैं नवाब समझते थे, दूसरा अगर उनकी बात को तवज्जो भी दी जाए कि जो पिछड़ा मुसलमान नाराज है पसमानदा, ये भी एक सच बात है कि पिछड़े मुसलमान के पास अभी तक ना तो रोजगार है, ना पढ़ाई में वो अव्वल है, ना ही रोजगार में उसको अव्वल दिया गया, बस उसको केवल वोट के मामले में इस्तेमाल किया गया, जिसके बहुत ही रणनीति के तहत आकाश सक्सेना ने एक तीर चलाया है। और ये तीर अगर पसमानदा के दिलो दिमाग पे बैठ गया तो ये मान लीजिए कि भाजपा का तीर एकदम निशाने पे लगेगा, फिर रामपुर की सीट आजम खान के हाथ से सफा सब साफ हो जाएगी। दूसरी बात जो भाजपा ये बात कह रही है कि मुस्लिमों को इन्होंने मतलब विकास नहीं किया या पिछड़े मुसलमानों का ध्यान नहीं दिया, रामपुर के ये नवाब हैं पसमानदा को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो एक बात इनसे भाजपा से एक सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है? पिछली बार मोहसिन रजा को उन्होंने मंत्री बनाया, क्या वो पसमानदा थे? इस बार उन्होंने जो दानिश आजाद अंसारी को बनाया गया है पसमानदा, तो उन्होंने क्या मुसलमानों के लिए योजनाएं निकाली है, क्या अल्पसंख्यकों के लिए क्या फायदे हुए हैं, और पिछड़े वर्ग के मुसलमान है उनको कहाँ पर छूट मिल गई है, कहाँ पर नौकरी मिल गई है और कितना उनका फायदा हुआ है, क्या उनका शोषण नहीं हुआ यूपी के अंदर, क्या पिछड़े क्या फर्जी मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ जैसे आरोप लग रहे तमाम। तो आकाश सक्सेना ने एक तीर चलाया है और बहुत ही सही समय पर चलाया है। सही समय पर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा ने एक रणनीति चली है। ये अगर भाजपा आकाश सक्सेना की बातों में अगर सच्चाई है तो पिछड़ा मुसलमान 70 सालों में कुछ नहीं हासिल कर पाया, बसपा शासन में नहीं हासिल कर पाया, और ये बात भी सच है कि समाजवादी पार्टी में 42 विधायक रहे थे, उनमें कई मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी पिछड़े समाज को कोई भी फायदा नहीं हुआ। आज भी उनकी हालत दयनीय स्थिति में है, चाहे वो झोपड़पट्टी की बात की जाए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, चाहे वो मजलूमियत की बात की जाए, चाहे वो उनके बेहसियत की बात की जाए, सभी मामलों में आज जो पसमानदा समाज है वो हद तक मतलब मायूस है। और इस मामले में उन्हीं को शिकार बनाया जाता है, चाहे मॉब लिंचिंग की बात की जाए, चाहे भीड़भाड़ इलाकों में हत्या की बात की जाए, चाहे किसी बेरोजगारी की बात की जाए, चाहे किसी क्रिमिनल ऑफेंस में फंसाने की बात की जाए, साजिश के तहत दंगों के तहत जब भी कोई मामला होता है अक्सर पसमानदा पिछड़ा मुसलमान ही अपने परिवारों को खोता है, वही इसमें शिकार होता है, ये भी एक सच बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज पिछड़े मुसलमानों की याद कैसे आई, आज ही का दिन उन्होंने क्यों चुना, इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं चुना, और आकाश सक्सेना ने ये बात आज ही के दिन क्यों गई, यानी लोहा गर्म था हथौड़ा तभी मारा गया।
बहुत ही सोच समझ के रणनीति के साथ आकाश सक्सेना ने बयान दिया है और ये बयान पसमंदा समाज के दिलों में आग जरूर लगाएगा और पसमंदा समाज को तय करना है कि आकाश सक्सेना की बातों में सच्चाई कितनी है, क्या उनके इस बयान से उनके कलेजे उछलते हैं या फिर वो सीधे सीधे इसको राजनीतिक स्टंट बता करके नकार करके समाजवादी पार्टी के खाते में अपना वोट डाल देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। जी बिल्कुल दानिश, उन्होंने ये भी कहा कि आजम का पूरा ध्यान केवल मुसलमानों को राजनीतिक रूप से जो है गुलाम बनाने का था, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, कांग्रेस ने 70 साल राज किया तो उसमें भी कहीं ना कहीं हद तक सच्चाई सामने है कि पसमांदा जो समाज है, पिछड़ा मुसलमान, वो आज भी देखिए बेरोजगारी मजदूरी वही लोग करते हैं, वही लोग परेशान है और शिकार भी उन्हीं को बनाया जाता है, चाहे भीड़ की हत्या हो, चाहे मॉब लिंचिंग की बात की जाए, चाहे बेरोजगारी की बात की जाए, राजनीतिक बात की जाए, दंगों की बात की जाए, सब में ज्यादातर वही शिकार होते हैं और किसी राजनीतिक स्टंट में अगर किसी को मोहरा बनाया जाता है तो इन्हीं पिछड़े मुसलमान को मोहरा बनाया जाता है जिनको बराबरी का सम्मान शायद आज तक नहीं दिया गया। देखिए साफ साफ बात कुरान में भी है, हदीसों में भी है कि इस्लाम में सभी बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात की तहकीक आज तक किसी ने नहीं की। आकाश सक्सेना ने जो बात कही है उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, क्योंकि आकाश सक्सेना की बात में कहीं तो धुआं है, लेकिन ये धुआं कितना फैलेगा और इसकी जो धुआं की जो इन्होंने आग लगाई है, उससे पहले जो आग लगाई इन्होंने जो मुस्लिम समाज की पिछड़े मुसलमानों में इन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की है, तो ये मैसेज तय करेगा कि आज ही के दिन जो उन्होंने बात कही है ये राजनीतिक स्टंट के तहत कही है या आपस में वे कह सकते हैं ना ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है कि मुस्लिम मुस्लिम आपस में बढ़ जाए और रामपुर के सीट सीधे भाजपा खाते में आ जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो एक ही मोटिव है, हमेशा से धार्मिक ध्रुवीकरण पे उनको सीट हथियाने का पुराना हुनर है उनको और इस हुनर का बाखूबी आकाश सक्सेना ने इस्तेमाल किया है। लेकिन एक तरफ सच्चाई भी यही है कि 70 सालों में पिछड़े मुसलमान पसमांदा का कोई भी प्रोत्साहन नहीं था। ध्रुवीकरण की राजनीति जिस तरीके से आकाश सक्सेना ने बयान दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सलाह पे लिया होगा, ऐसा नहीं है कि आकाश सक्सेना के खुद के बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछड़े समाज में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री बनाया, मोहसिन रजा को सीधे सीधे मंत्री पद से हटा दिया और इसके बाद आकाश सक्सेना का आज ही के दिन मतदान हो रहा है और मुस्लिम मतदाता जिस तरीके से रुचि ले रहे हैं, देखिये जो मतदान करने जा रहे हैं जाहिर सी बात है वो पिछड़े समाज से ज्यादा है, पसमांदा समाज के लोग जा रहे हैं क्योंकि इन्हीं के पास मजदूरी करने का सबसे ज्यादा इन्हीं के पास बोझ होता है और यही काम वोट डालने में ये लोग इंटरेस्ट सबसे ज्यादा लेते हैं। तो आकाश सक्सेना ने एक बेहतरीन तरीके से सही मौके पर सही बात रखी है, लेकिन इसका असर पसमांदा समाज पर कितना जाएगा ये पसमांदा समाज को सोचना है, क्योंकि उनकी स्थिति 70 सालों में बदहाल थी और आज भी है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ क्या किया है, स्पेशली फॉर द बैकवर्ड मुस्लिम्स, बैकवर्ड मुस्लिम के लिए क्या किया है ये भी पिछले मुसलमानों को सोचना है। और आकाश सक्सेना ने आज ही का दिन क्यों चुना है इसको लेकर के पसमांदा समाज को घोड़ा भाग करना है, लेकिन तब तक के लिए 5 बज जाएंगे और समय कम बचा होगा कि 2 घंटे 3 घंटे के बाद मतदान खत्म हो जाएगा। क्या इन 3 घंटों में इस बात का असर पसमांदा पर लेगा या पसमांदा इस ऐसे मामलों पर क्या निर्णय लेगा? हालांकि अगर ये सीट रामपुर की निकली तो ये मान लीजिए कि आकाश सक्सेना का बयान सही समय पर था, निशाना सही समय पर निकला, लेकिन अगर सीट उनके खाते में नहीं आई तो फिर आकाश सक्सेना का ये बयान बेफजूल माना जाएगा। बिल्कुल दानिश, आकाश सक्सेना ने ये भी कहा है कि आजम के कारण मुस्लिम नौजवानों का भविष्य अधर में लटक रहा है, तो क्या रामपुर में मुसलमानों को रोजगार नहीं मिल रहा है? नहीं, जिस तरीके से देखिए यूनिवर्सिटी जो उन्होंने बनाई थी वो यूनिवर्सिटी तो खैर मुस्लिमों के लिए उन्होंने बनाई थी, उसमें सभी वर्गों के लोगों को पढ़ने के लिए बताया गया था, लेकिन जब ये सत्ता में मंत्री थे तो पिछले मुसलमानों को कोई पुरसहाल नहीं था। अगर स्ट्रक्चर कमेटी की बात की जाए वो भी नहीं लागू कर पाए, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट की जाए वो भी नहीं लागू कर पाए। इसको लेकर के पसमांदा जो तबका समाज था, कई बार इन्होंने आयोजन भी किया पसमांदा, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बात की जाए अगर कांग्रेस की, जिसे 70 साल मुस्लिमों के इस दम पे राज किया, उसने भी इसका पुरसहाल नहीं लिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 2.0 की सरकार आई है इसमें पसमांदा समाज को बहुत ही मतलब मुद्दे के रूप में लिया है, चाहे वो DYCM ब्रजेश पाठक की बात की जाए, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए, प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए, तो उन्होंने भी पिछले समाज का आयोजन कई बार सम्मेलनों में किया है, कई बार ये बताने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि पिछले समाज से उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दिया है, लेकिन आकाश सक्सेना ने आज ही का दिन क्यों चुना है ये सब सोचने वाली बात है। और इनका जो बात कहने का जो मैं कह सकता हूँ वक्त है वो सही वक्त नहीं था, लेकिन इन्होंने जो राजनीतिक ध्रुव करके बयान दिया है इसके तहत पसमांदा समाज की उनको याद आई। हालांकि पसमांदा समाज का ये मुद्दा सही है, एक सिक्के के दो पहलू वाला ये बयान है। देखिए एक तरफ तो पसमांदा की स्थिति वाकई में 70 सालों से बदहाल है, उनका कोई पुरसहाल नहीं, कोई मिनिस्टर पद उनको नहीं दिया गया, कोई मंत्रालय पद नहीं दिया गया, आज भी उनकी स्थिति बदहाल है। सारे विभागों में बात के लिए ज्यादातर पसमांदा की कोई भी तबके के मुसलमान वहां पर नहीं है, लेकिन अगर मंत्रालय की बात कर ली जाए तो मुस्लिम समाज में भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.0 की सरकार,
2.0 की सरकार है, पिछले 5 सालों का हिसाब अगर लिया जाए और इधर पूरा 8 महीने का, तो इसमें भी पसमानदा समाज के लिए केवल सम्मेलन हुए, लेकिन अभी तक नतीजा कुछ नहीं निकला है। नतीजा जब निकलेगा, जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़े मुसलमानों के लिए कोई योजना लाती है या उनको विकसित करने के लिए प्रयास करती है, खाली आजाद अंसारी को मंत्री बना देने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जमीनी स्तर पर काम करना इनको होगा। जी जी, जिस तरह से दानिश आकाश सक्सेना ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि रामपुर में बहुत बड़ी आबादी जो है वो पठान मुस्लिमों की है, तो इसका कितना असर चुनाव पर देखने को मिलेगा इस बयान के बाद? नहीं, देखिए आजम खान तो अपने आप को भी खान लिखते हैं, और दूसरी चीज आसिम रजा जैसे कि उनके सहयोगी बताए जा रहे हैं। आबादी देखिए, सब मुस्लिमों में वैसे तो मतभेद नहीं होता है किसी बात को लेकर के, जैसे कि कुरान हदीस के मुताबिक तो मुसलमान सभी बराबर हैं, लेकिन बात दरअसल यहाँ पर जो जाति रणनीति की आती है राजनीतिक में, इसमें कहीं ना कहीं समीकरण उछाल मारता है, जैसे कि दलित वोट है, तो अब जो पसमानदा के तहत जो वोट खींचने की कोशिश की गई, ये बात भी सच है कि रामपुर में पठानों की तादाद ज्यादा है, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो रामपुर में अगर आजम खान साहब ने किसी को महत्व दिया है तो वो वहां पर खाता है, वो पठान को ही दिया है, लेकिन अब ये देखना ये होगा कि आकाश सक्सेना की बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि 95 जो मुकदमे आजम खान पर हुए वो करने वाले वही के लोग हैं, वो करने वाले मुकदमे भी मुसलमान लोग हैं, कोई बकरी चोरी का मुकदमा लिखाया, कोई मुर्गी चोरी का मुकदमा लिखाया, किसी ने जमीन छीनने का मुकदमा लिखाया, वो सभी लोग पसमानदा समाज के लोग थे, सभी लोग पिछड़े समाज के लोग थे। तो आकाश सक्सेना ने इसकी पूरी तहकीक की होगी, भारतीय जनता पार्टी ने इसे रणनीति बनाई होगी, जिस प्रकार से आकाश सक्सेना ने बात कही है इसमें कहीं ना कहीं एक पहलू के हिसाब से बात सच भी है, दूसरा पहलू राजनीतिक ध्रुवीकरण का है, लेकिन ये बात देखने वाली होगी कि आजम खान साहब सिर्फ पठानों को लेकर चलते हैं या केवल मुस्लिमों के नाम पर जो इतना वो बयान देते हैं वो केवल मुसलमानों को लेकर चलते हैं, अगर लेकर चलते हैं तो फिर वो पिछड़े मुसलमानों को पिछले सत्ता में कुछ क्यों नहीं कर पाए और आगे क्या करेंगे, और उन 95 मुकदमों में पिछड़े मुसलमान ही क्यों थे। जी जी दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बड़ा दावा कर दिया है, उन्होंने कह दिया है कि रामपुर का नौजवान नए रामपुर का मन बना चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आकाश सक्सेना ने आजम खान पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि आजम का पूरा केवल ध्यान जो है केवल मुसलमानों को राजनीतिक रूप से गुलाम बनाने पर था। आकाश सक्सेना ने आजम खान ने हमेशा खुद को दूसरा नवाब समझा है, उन्होंने ये भी कहा है। और बता दें आपको कि आज रामपुर में कारोबार ठप है, ऐसा भी कहा है। आजम के कारण मुस्लिम नौजवानों का भविष्य अधर में लटक रहा है। रामपुर की जनता हिंदू मुस्लिम के मुद्दे से ऊपर उठकर विकास और उज्जवल भविष्य को चुनेगी। उन्होंने दावा किया है कि इस बार वोटर्स ने इतिहास बदलने का मन बना लिया है। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देर रात को शराब रुपए बांटे जा रहे थे, ऐसा सपा का बयान सामने आया है। बता दें आपको कि सपा के विधायक नेता रविवार रात को चुनाव आयोग के लखनऊ मुख्यालय पर धरना देने पहुंच गए और चुनाव आयोग से मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में मतदान के दिन ही पहले शराब रुपए बांटने का आरोप भी लगाया है। सपा के विधायक निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं कि रामपुर में धांधली बंद करो। समाजवादी पार्टी के 18 विधायकों का प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि कल होने वाले उपचुनाव में पुलिस प्रशासन गड़बड़ी कर रही है और इस पर ही हम लोग चुनाव आयोग के ऑफिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। आयोग का दफ्तर बंद होने पर हमें लौटना पड़ा और प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि रामपुर में पुलिस प्रशासन की मदद से लोगों को धमकाया जा रहा है। मुस्लिम बाहुल्य और बस्तियों में मतदान की पर्चियां तक नहीं बांटने दी जा रही है। मैनपुरी में भी बीजेपी के लोग पैसा और शराब बांट रहे हैं। होटलों में लोग इकट्ठा कर आम जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कल सुबह फिर से शिकायत दर्ज कराने चुनाव आयोग के ऑफिस जाएंगे। बता दें आपको कि करीब 20 मिनट तक सभी विधायक और सपा के लोग मौजूद रहे और इसके दौरान ही जोर जोर से नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी लगातार बने हुए हैं। दानिश, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। नहीं देखिए, हमने बताया था कि जिस दिन से ही उपचुनाव की डेट आ गई थी उसी दिन से समाजवादी पार्टी ने लगातार आरोप लगाया और कहीं ना कहीं सोशल साइट पर ये वीडियो दिखाई भी जा रहे थे, खुलेआम पैसा बांटा गया वो गांव में। दूसरी चीज जो है, समाजवादी पार्टी ने यह भी देखा कि पुलिसिया उत्पीड़न भी है। आजम खान को शिकार बनाया गया, वो उनका राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसमें मतदाता जो मत करने वाले मतदाता हैं उनका तो कोई कसूर नहीं था।
जब पुलिस के आप देखते होंगे कि एक पुरानी कहावत है कि अफसर के आगे चलना भी मुसीबत है और अफसर के पीछे भी चलना मुसीबत है, तो उस तरीके से पुलिस का कोई हुजूम जाता है तो ये सही बात है, कहीं ना कहीं मतदाता डर जाते हैं। हालांकि शांति की व्यवस्था का भी एहसास होता है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी होता है, आप अगर किसी पे आरोप समाजवादी पार्टी जिस हिसाब से लगा रही है, उन्होंने डेलीगेशन जो कल भी पहुंचा था रविदास मल्होत्रा का, आज भी समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे निर्वाचन आयोग को, लेकिन निर्वाचन आयोग की इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, निर्वाचन आयोग का इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया, ये सोचने वाली बात है कि आखिर निर्वाचन आयोग इस पर खामोश क्यों रहा। दूसरी चीज, ट्विटर पे लगातार समाजवादी पार्टी ने ये बात दिखाने की कोशिश की है कि पैसा बांटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और प्रेशर बनाया जा रहा है और खुलेआम जो है पुलिस बल के साथ दहशत बनाई जा रही है, कहीं आधार कार्ड पर वोट डालने नहीं जा रहे हैं, कहीं निर्वाचन कहीं सीओ द्वारा उनको बैन लौटाया जा रहा, कहीं प्रत्याशी को पुलिस द्वारा टॉर्चर किया जा रहा, तो इसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने लगातार डेलीगेशन उनका चल रहा था और उस पर निर्वाचन आयोग को उन्होंने ज्ञापन भी दिया और ये दिखाने का प्रयास भी किया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो अपने बयान में ट्विटर में साफ साफ बात कही है कि जो वहाँ के जो मतदाता है उनको डराने का प्रयास किया गया, उन्होंने एक विशेष धर्म को भी कहा है, लेकिन सवाल सोचने वाली बात यह कि इस पे इलेक्शन आयोग को सोचना चाहिए था, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी इसी को है। और दूसरी चीज, पुलिस विभाग को, प्रशासन को वहां पर शांति व्यवस्था बनाने का टास्क है, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने का टास्क है, समाजवादी पार्टी को अपनी साख बचाने का टास्क है, कई टास्कों के बीच में मतदाता है, इनमें मतदाताओं का कोई कसूर तो है नहीं, क्योंकि प्रशासन की क्या मजबूरी है, शासन की क्या मजबूरी है, इलेक्शन आयोग की क्या मजबूरी है, या सत्ता पक्ष विपक्ष की क्या मजबूरी है, इसमें मतदाताओं का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मतदाताओं को वोट न डालना उनके अधिकार से उनको छीनना है और लोकतंत्र के पर्व के मुताबिक सबसे बड़ा अधिकार मतदाताओं को मतदान करना है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया, ये आरोप पहली बार नहीं लगे, इससे पहले भी लगे थे, आज फिर लगे, और ये उपचुनाव में केवल 3 सीटें हैं, इन 3 सीटों पर जब इस तरीके का आरोप लग रहे हैं और खुलेआम वीडियो आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इलेक्शन आयोग को इस चीज के नजीर पेश करनी होगी कि शायद इस तरीके की घटनाएं न हो रहा हो तो उस पर लगाम लगाई जाए, अगर लगाम नहीं लगाने में तो जो लापरवाह बेपरवाह अधिकारी उन पर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने डेलीगेशन दिया था, समाजवादी पार्टी डेलीगेशन में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है और आज नहीं 3 दिन से लगातार ये दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से समाजवादी के मीडिया सेल में दिखाया जा रहा है, उनकी कुछ वीडियो में सच्चाई भी देखे, फुटेज और वीडियो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो इसको लेकर के इलेक्शन आयोग ने अभी तक कोई पीसी नहीं की है। हालांकि मतदान प्रतिशत अभी भी शांति व्यवस्था से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी का अगला रिएक्शन क्या होगा नतीजे आने के बाद, और नतीजे आने के बाद भाजपा का क्या रिएक्शन। बिल्कुल दानिश, देखिए जब चुनाव आते हैं उसके बाद शराब और रुपए बांटने के लगातार आरोप लगते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं, तो इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए जाते हैं कि सरेआम शराब और रुपए बांटने के मामले सामने आ रहे हैं? नहीं देखिए, इस पे अभी तक तो समाजवादी पार्टी ने डेलीगेशन में ये आरोप लगाया है, पत्र भी दिया है, ट्विटर पर हैंडल में भी दिखाया, मीडिया सेल में भी दिखाया उन्होंने, और उस वीडियो को जारी भी किया, इस पे कभी भारतीय जनता पार्टी का तो अभी तक रिएक्शन आया नहीं। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, इलेक्शन कमीशन का कोई आरोप नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया, उस पर मैंने बताया वही बात की इलेक्शन कमीशन की इसकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। हाँ, एक बात जरूर है कि मौके पर जहाँ पे चुनाव चल रहे हैं वहां पर, मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो वहां पर DIG पहुंचे थे, DIG से जो मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था देखिए आपके सामने बनी हुई, हम किसी मीडिया कर्मी को भी नहीं रोका जा रहा है, उन्होंने दिखाने की कोशिश की किसी मीडिया कर्मी को कवरेज से रोका जा रहा है, मीडिया खुद है, मीडिया मौजूद है, तो DIG का अपना बयान है, उनका बयान तो मेरे ख्याल से सही भी है क्योंकि मौके पर मीडिया को नहीं रोका जा रहा था। ऐसे मामलों में देखिए आज का जो जमाना सोशल साइट का है, कोई ना कोई वीडियो बना ही लेता है, लेकिन अगर मीडिया खुद मौजूद है तो वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी बात को लेकर धांधली करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेलीगेशन में जो पत्र में शिकायत की गई है, उस शिकायत के पीछे मोटिव क्या है, शिकायत करने के पीछे मंशा क्या थी, और इलेक्शन कमीशन ने उस पर कार्रवाई क्या की है, ये भी सोचने वाली बात है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रिएक्शन देगी, अभी तक किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया केवल समाजवादी पार्टी के अलावा। बिल्कुल दानिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर है जहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव से पहले प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है, देर रात शराब रुपए बांटने के आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। और आपको बता दें कि लखनऊ में अचानक चुनाव आयोग जो है वो सपा वहां पर पहुंची और कहा कि उपचुनाव से पहले प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है। रामपुर में आज विधानसभा चुनाव का मतदान चल रहा है और जगह जगह प्रशासन के आला अधिकारी सभी बूथों की चेकिंग कर रहे हैं और वोटों से पूछताछ, वोटरों से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने
तो अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर में कुछ बूथों पर से वोटरों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने रामपुर प्रशासन पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है वो सुनिए। अपना थोड़ा मैं ये कहूंगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा करेक्ट करें, रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा, धांधली हो रही है। सूचना ये है, सूचना लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। मतदान केंद्र से पहले पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी है, मोहल्लों में गलियों में लाठी चार्ज हो रहा है, पर्चियां फाड़ी जा रही है। चुनाव कहाँ है, चुनाव है? मैम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट दे दीजिए, बिला वजह सरकारी इतने संसाधन बर्बाद हो रहा है, इतने पुलिस के जवानों की ड्यूटी बर्बाद हो रही है, सरकारी पैसा खराब हो रहा है, बीएसएफ के जवान हमारे बहुत दूर दूर से आए हैं, वो बेचारे बूथों के अंदर लगे हुए हैं, वो वोट तब पड़वाएं जब मतदाता बूथ के अंदर दाखिल हो सके, लेकिन उन तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा क्योंकि पुलिस पहले ही रोके ले रही है। अब्दुल्ला ने क्या क्या कहा है बता दें आपको कि अब्दुल्ला आजम ने कहा कि रामपुर में धांधली चल रही है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर थोड़ा करेक्टर करें और रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा है, धांधली हो रही है। सूचना यह है कि सूचना क्या है, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा। मतदान केंद्र से पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और मोहल्लों में गलियों में लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों से पर्चियां लेकर फाड़ी जा रही हैं। चुनाव कहाँ है, हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी प्रत्याशी को ऐसे सर्टिफिकेट दे दीजिएगा, चुनाव कराने की क्या ज़रूरत है, बाहर के जवानों को फोटो क्यों परेशान कर रहे हैं और क्या इतना इंतज़ाम खराब है कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे ही जीता दीजिए। जनता जो है वो सुरक्षा पर, उन्होंने कहा कि कौन से रामपुर में पहले ऐसी हरकत हुई है जितना रामपुर में पुलिस ने किया है, उतना उत्पीड़न तो शायद हो ही नहीं सकता। आप इधर डिग्री कॉलेज पर चले जाइए, सुबह से इस बूथ पर केवल 2 वोट पड़े हैं और अभी तक पूरे देश में रामपुर को पुरस्कृत किया करेगा और चुनाव आयोग इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रामपुर से हमारे सहयोगी जिशान खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिशान, बड़ा बयान सामने आया है कि चुनाव नहीं हो रहा है, खुलकर धांधली हो रही है। हाँ, मैं बता दूं कि जिस तरीके से रामपुर के अंदर आज जो उपचुनाव को लेकर मतदान हो रहा है, ये पहला मौका नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जो उप लोकसभा चुनाव हुआ था रामपुर के अंदर उसमें भी इस तरह से रहा था। लेकिन जो आज तक से देखी गई है, जिस तरीके से मुस्लिम मतदाताओं को रोका जा रहा है बूथों पर जाने से, उनकी पुलिस आईडी वेरिफिकेशन कर रही है, तो इसके साथ तो जाहिर है कि जो अब्दुल्ला आजम ने बयान दिया है वो कुछ हद तक सच जाता है, सटीक है। मैं बताता चलूं कि आज जो है यहाँ के जो बाहर की फोर्स आई है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इस तरीके से जो चुनाव आयोग को पहले शिकायतें दी हैं, जो रात जो रामपुर में प्रत्याशी थे और उन्होंने पुलिस अधीक्षक के आवास पर धरना दिया था, उसको लेकर आज लाठी चार्ज भी हुआ था और उन्होंने फिर कंप्लेंट ऊपर करी थी निर्वाचन आयोग को। उसके बावजूद भी, इतनी सख्ती होने के बावजूद भी, अभी तक जो हम राउंड ले रहे हैं और राउंड फिगर सारा चेक कर आ रहे हैं, देखा जाए तो कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई देती है। जी जिशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। इटावा में सिफई में अपना मतदान करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डिंपल यादव के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की है। अखिलेश यादव ने प्रशासन और चुनाव आयोग पर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया है। अखिलेश ने कहा है कि पुलिस सपा के कार्यकर्ताओं को धमका रही है और लोगों से वोट न डालने को कह रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के लोगों के लिए पुलिस काम कर रही है, इस चुनाव से हमें 2024 के चुनाव की सीख मिल रही है, भाजपा के लोग हर जगह गुंडई कर रहे हैं। तो इटावा से खबर है जहां पर प्रेस वार्ता की गई है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने प्रेस वार्ता की है जिसमें पुलिस सपा के कार्यकर्ताओं को धमका रही है ऐसा कहा गया है। इसके साथ ही बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कहा गया है कि बीजेपी गुंडई कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने 2024 चुनाव को लेकर भी आगाह कर दिया है। बता दें आपको कि इटावा में सेफई में
अपना मतदान करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव के साथ मिलकर प्रेस वार्ता की गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, पूरा मामला क्या है बताइए, और बीजेपी को कहा गया है, साफ तौर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी पर कि बीजेपी गुंडई कर रही है। बिल्कुल, आज जो है मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव को लेकर खुद समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव यहाँ से जो है चुनावी मैदान में है और मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने की उनकी जो है प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। पूरा समाजवादी परिवार जो है इस रणभूमि में चुनाव प्रचार में लगा रहा और आज जो है चुनाव को संपन्न कराने में जुटा हुआ है। वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने मतदान का प्रयोग करने के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और जिला प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टियों पर गुंडई करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहा है, एक पक्षपात कर रहा है और उनके कार्यकर्ताओं को जबरिया गुंडई करके उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके उनको थाने चौकियों में बंद किया जा रहा है जी। और मतदाताओं को पुलिस के द्वारा लगातार धमकाया जा रहा है, उनको मतदान का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। जी रोहित, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो इटावा से खबर आपको बता रहे थे जहां पर अखिलेश और डिंपल यादव ने प्रेस वार्ता की है और सीधे तौर पर बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।